मत समझिएगा कि ये बच्चे जो आज आपके पास हैं ये किसी से कम है। कहना नहीं चाहती थी मगर शायद जज्बाती हो गई हूँ, सत्य पहुंच गई। एक दफा रात के 11 बजे शादमान में एक इतनी सी बच्ची और दो उसके उससे जरा बड़े भाई गाड़ी साफ कर दो। मैंने कहा क्या उम्र है तुम्हारी? वो साहबजादी बोली 6 साल। साहबजादी हुई उसे 2 बरस में। इस वक्त अकेली फिर गई 11 बहुत साल पहले की बात। नहीं अब्बा छोड़ जाता और अब्बा आगे ले जाएगा तो हम कोई गाड़ी साफ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ पैसे नहीं। बड़े वाले से पूछा कि तुम पढ़ते नहीं हो? कहा पढ़ता था लेकिन वो फीस ले गई और घर का काम मुझसे नहीं होता था। होमवर्क भी तो एक अदाब है ना आजकल बड़े स्कूलों में, और वो गवर्नमेंट वैदर स्कूल का था उसमें पढ़ता तो उससे पिटाई होती थी तो मैं भाग गया स्कूल। मैंने कहा अगर फीस दे दी जाए तो तुम्हारा होमवर्क करने का भी कुछ सामान कर लिया जाए तो पढ़ो। सारी कहानी छोटी करके फिर किसी दिन सुना नाम मत पूछिएगा। वो उस मुल्क में एयर वाइस मार्शल के अहदे से रिटायर। दुनिया बदल जाती है, दुनिया बदल जाए। उनसे छोटे साहबजादे में जरा ज्यादा जहरी थे। मैं उस वक्त लम्स में पढ़ा रही जब इसने FSC किया तो कह और मुझे डॉक्टर कहता था, डॉक्टर मैं लम्स पढ़ना है। मैं कहा पढ़ लो अगर तुम दाखिला तुम्हारा होता है ये तुम्हारे हाथ में, अगर तुम्हारा दाखिला वहाँ होता है पढ़ लो। जालिम ने सेट में सबसे ज्यादा नंबर लिया। सेट बहुत आम पब्लिक स्कूल वालों के लिए बड़ी बड़ी हवा चीज है। गया लम्स में, पढ़ा लम्स में। मैं लम्स की भी बहुत नमन हूँ। लम्स का एक प्रोग्राम हम जब मैं लम्स में पढ़ाती थी तो वहाँ के बहुत से प्यारे लोगों ने शुरू किया था उसको, वो आउटरीच प्रोग्राम कहते थे। वो ढूंढ के लाते थे उन बच्चों को जिनके कि इस्तेदात नहीं है मगर काबिलियत है। तो वो कहते थे कि सारी जिम्मेदारी हमारी तुम पढ़ने आओ। तो ये साहबजादे उसमें गए, फिर नाम नहीं लूंगी। वो इससे दुबई में एक इंटरनेशनल बैंक का मैनेजर है और वो जो 6 साल की थी अच्छा वो बहुत छोटी थी। उसके कुछ महीनों के बाद जब हमारी उसकी मुलाकात हुई तो कहने लगी मैं भी पढ़ना है, मैं पढ़ना है। मैंने ऐसे ही हंस के मैं भी पढ़ना, मैं पढ़ना तो मैं दाखिले बगैर पढ़ना हूँ। वो लड़कियों का पायलट स्कूल शायद वैदक कॉलोनी, उसमें उसका दाखिला हुआ। बहुत मेहनत से उसने FSC किया, प्री मैट्रिक। डॉक्टर मैं भी डॉक्टर बनना। मैं क्या बन जा, नंबर ले आएंगी तो बन। शी डिड वेल। उसका फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज में दाखला हुआ। वाह, शी इज अ डॉक्टर नाउ देयर। अब तो बहुत ही बदल सकती है किस्मत, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मैं वो जो साहबजादे हैं जो बैंक में इस वक्त मैनेजर हैं उनसे मेरी ज़रा ज़्यादा बेतकल्लुफी और लाड है। एक दिन रात को 2 बजे रात को फ़ोन आता है, नहीं क्यों या खैर है? ये सब खैर है डॉक्टर, एक गल दस रही ठेठ पंजाबी। मैं की गल दस रही से? डॉक्टर तू कोई होश चीज़ है तो खुदा हाफिज़। क्या बात है, बस तू कोई और चीज है खुदा। मैं सोचती हूँ एक उंगली पकड़ने का
बाकी सामान अल्लाह मियाँ पैदा कर देते खुद ब खुद कहीं ना कहीं से। अगर दिल का आईना साफ हो तो अल्लाह उस पे अक्स बहुत सारे उतारता रहे, बेशक 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 उस आईने को साफ रखें।